तो खबर दिल्ली से है, जहां बता दें आपको कि 15 जीआरजी में आज भी कांग्रेस का महामंथन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे मीटिंग में मौजूद रहेंगे। साथ ही केसी वेणुगोपाल और सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। पहले ये बैठक 12 बजे होनी थी और अब ये बैठक 3 बजे यानी कि 15 जीआरजी में होगी। और माना जा रहा है कि इसमें राजस्थान की 25 सीटों में से 20 सीटों पर नाम का सिंगल पैनल तैयार हो जाएगा। वहीं 5 ऐसी सीटें हैं जिसमें और जाति समीकरण को लेकर फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसके बाद सभी फाइनल नामों का, आपको बता दें कि नाम जो है उसको आला कमान में भेजा जाएगा और इसके बाद पार्टी के भी आपसी चर्चा कर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। और माना जा रहा है कि 15 से 16 मार्च के आसपास उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं कल अहमदाबाद से CWUC की बैठक होगी जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई आला नेता शामिल होंगे। गठबंधन को लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। वहीं कल देर रात दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मौजूदगी में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। लोकसभा के जो चुनाव हैं उस संदर्भ में पार्टी की उम्मीदवारी तय करने के लिए आज अच्छी मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री जी थे, महासचिव जी अविनाश पांडे जी और सेक्रेटरी साहब। लेकिन मुझे खुशी है कि जो फीडबैक हमने लिया पिछले 2-3 हफ्तों में वो बहुत लाभदायक रहा और धरातल पर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिले के, ब्लॉक के, तहसील के, प्रदेश के, इन तमाम लोगों की राय लेकर हमारे जो अलग अलग सोर्सेज से फीडबैक आया था उसका हमने आकलन करके आज एक लंबी सार्थक चर्चा हुई है और मोटा मोटा आम राय लगभग कंसेंसस हर सीट पर बन चुका है। इस बात की मुझे खुशी है और हमारा एम है कि हम कैसे सभी सीटों पर जीत हासिल करें। कल वेणुगोपाल जी जो महासचिव हैं संगठन के, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी और हम लोग नाम फाइनल करेंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि एक सिंगल नाम CEC को भेजा जाएगा, ये सही है क्या? मैंने कहा ना, मुझे पहले से ही हमारे यहाँ एक आम सहमति है। इतना लंबा चर्चा करने के, विश्लेषण करने के बाद उसका फ़ायदा ये मिला कि सब नेताओं की मोटी मोटी आम राय बनी है और हम शुरू से कहते आए हैं कि नए लोगों को, नौजवानों को, महिलाओं को, ऐसे लोगों को मौका मिले ताकि अच्छी छवि के लोग राजनीति में आ सकें, यही राहुल जी भी चाहते हैं। स्क्रीनिंग की बैठक जो थी उसमें जितने पिछले सभी बैठकों में जो चर्चा की गई थी उसमें पार्लियामेंट के उम्मीदवारों को लेकर जो सभी के मत थे एक साथ करके उसको टैली किया गया और कल जो फाइनल मीटिंग होगी स्क्रीनिंग कमेटी की जिसमें माननीय KC वेणुगोपाल जी भी उपस्थित रहेंगे, उस मीटिंग में CEC के लिए फाइनल प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। तमाम सीटों पर चर्चा हुई या फेज वन की जो सीटें? नहीं, सभी पूरे 25 सीटों पर चर्चा हुई है और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारियां और जो लेना बाकी हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में मिल जाएगी, जो कि कल की मीटिंग में बैठ कर इसमें विस्तार से चर्चा करके और CEC के लिए फाइनल प्रपोजल तैयार कर लिया जाएगा। CEC होगी तो तमाम नाम जाएंगे या फिर पहले फेज के नाम जाएंगे CEC? नहीं, फेज तो एक साथ ही, चर्चा तो एक साथ ही होती है और वो CEC निर्णय करती है कि उनको कितने नामों पर चर्चा करनी है। इसके लिए यहाँ से प्रस्ताव हमको पूरे 25 पे ही तैयारी करनी होती है। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं और उस पर पूरी तैयारी करके पूरी जानकारी CEC के लिए हमको तैयार करके देनी होगी। विजय एक पैमाना है, जीत एक पैमाना है, प्रत्याशी की छवि, प्रत्याशी का जुड़ाव और प्रत्याशी की पार्टी के प्रति निष्ठा, ये सब एक मानक और मापदंड हैं और इनको जो इनका निचोड़ जो है, मतलब जो जो विमर्श है जो, उसका निचोड़ ये है और उसी के अनुरूप हम लोग प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं और हमें ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा संतुष्टि है, हर्ष के साथ साथ संतुष्टि है कि बड़े सौहार्दपूर्ण, बड़े अच्छे ढंग से सब चीज़ें आम सहमति से निकल कर आ रही हैं। आने वाले समय में हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो निसंकोच वो सबको स्वीकार होंगे और हम सही दिशा में सही महत्वपूर्ण कदम जो उठाए जाते हैं पहले वो सब महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ में, राहुल जी की लीडरशिप में पूरे जोश के साथ में, पूरी ताकत के साथ में इन लोकसभा चुनाव में उतरेगी।